और बहुत जल्द सब इंस्पेक्टर का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो गई जैसे ही प्रथम चरण खत्म होगा उसके जस्ट बाद ही एडमिट कार्ड जारी किया जा सकते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप लोग केयरफुली तैयार कीजिए। और दोस्तों इसमें इसका सिलेबस क्या होगा, दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम का मेन सिलेबस क्या है, इसको मैं आपके सामने आज लाया हूँ। तो गाइस एग्जाम पूरी तरह से सीजीपीएससी के लेवल का होगा, सीजीपीएससी में जैसा एग्जाम होता है वैसे ही होगा। तो गाइस इसमें हम ध्यान से देखेंगे, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो गाइस इसमें टोटल 300 नंबर के प्रश्न होंगे। गाइस 300 प्रश्न, 300 नंबर के मतलब 300 अंक होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 150 अंक होंगे और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 150 अंक होंगे। इस प्रकार दो भाग में एग्जाम होगा। आपको ये एग्जाम आपको पूरी तरह से वैकल्पिक प्रकार होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें पूरी तरह से सीजीपीएससी की तरह एग्जाम की तैयारी की जाएगी। तो गाइस प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सिर्फ दो भाग में एग्जाम होगा, एक छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का होगा और एक सामान्य ज्ञान अध्ययन का होगा। और ये छत्तीसगढ़ के राजपत्र, जो सब इंस्पेक्टर का राजपत्र संशोधित हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो गाइस ये था आज का वीडियो जो आपके प्रारंभिक लिखित परीक्षा के डाउट को क्लियर करता है। दोस्तों प्रथम चरण की परीक्षा बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, उसके बाद से आपका प्रीलिम्स एग्जाम शुरू होगा। जो जो प्रथम चरण में क्वालिफाई हुए होंगे उनको प्रीलिम्स की तैयारी करना बहुत ही जरूरी है और स्टार्ट कर देने चाहिए। तो गाइस मैं इस चैनल के माध्यम से डेली छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की तैयारी कराते जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको भी थोड़ी सी बहुत तैयारी हेल्प मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो गाइस इसमें डाउट क्लियर है कि 300 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान संयुक्त रूप से होंगे।